असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने ताबड़तोड़ तरीके से रैली करना शुरू कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 27 मार्च को असम में पहले चरण का मतदान होना है और उससे पहले ही राजनीतिक पार्टी के नेता वोटर्स को अपनी तरफ करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आज असम में चुनावी रैली के दौरान अमित शाह ने जमकर कांग्रेस को घेरते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अपनी गोद में बदरुद्दीन अजमल को बिठा रखा है। अगर यहां की जनता कांग्रेस का साथ देती है तो असम में आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर होगा। यहां आए दिन आतंकवाद बढ़ेगा और घुसपैठी घुसपैठ करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से असम में आतंकवाद बढ़ा है इसकी वजह कांग्रेस ही है। अमित शाह ने अपनी रैली के दौरान कहा कि वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ यहाँ की जनता आए ताकि असम का विकास हो। यहाँ जितना भी आतंकवाद फैला है उन सब को दूर किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी विकास के रास्ते पर चलती है और यहाँ चुनाव जीतने के बाद विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी और यहाँ की जनता का पूरा ध्यान बीजेपी रखेगी। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।